हरियाणा रोडवेज द्वारा 122 प्राइवेट बसों को बेड़े में शामिल करने के विरोध स्वरूप हरियाणा रोडवेज की ओर से 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने मांग की कि सरकार प्राइवेट बसें बेड़े में डालकर कोई बड़े फायदे की बात नहीं कर रही है। इनके डालने से ना तो बेरोजगारी घटेगी बल्कि रोडवेज को नुकसान होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि रोडवेज में नई भर्ती करें, पक्के कर्मचारी रखे जाएं, पीड़ित कर्मचारियों के मामले को तालमेल कमेटी के साथ मिलकर बैठकर सुलझाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी जायज मांगे नहीं मानी जाती हैं तो प्रदेश स्तर पर हरियाणा रोडवेज यूनियन द्वारा विरोध जारी रखा जाएगा और प्रदेश स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर सरकार का विरोध किया जाएगा। अभी हमारे साथ मौजूद है हरियाणा रोडवेज इंटेक के प्रधान सर। क्या मैटर है, आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि 22 तारीख को कुरुक्षेत्र में तालमेल कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसमें ये निर्णय लिया था कि सरकार ये 190 बसों का दोबारा टेंडर जारी करती है, तो इसका तालमेल कमेटी पहले भी विरोध कर चुकी है और सरकार को बता चुकी है कि ये मतलब बहुत ही नुकसानदायक ये पॉलिसी है। इससे ना ही तो बेरोजगार का फायदा होगा और ना ही सरकार का फायदा होगा, तो तालमेल कमेटी इसका पुरजोर विरोध कर रही है और आगे करती रहेगी। सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं के बेड़े में बसें डाली जाएं और पक्की भर्ती की जाए और जो कर्मचारी पीड़ित कर रखे हैं सरकार ने तालमेल कमेटी को बुलाकर और इस बातचीत का मसला हल किया जाए। पब्लिक परेशान है और कर्मचारी भी परेशान है, ना ही तो आज हमारे पास बेड़े में गाड़ी रही हैं। पहले हमारे पास 4,500 का फ्लीट होता था 2014 के अंदर और आज वह गाड़ी घटकर 3,000 रह चुकी है और पब्लिक बढ़ रही है और बसें घट रही हैं। आज हमारे पास ये जो बसें हैं इससे 33 लाख यात्री रोज़ाना सफ़र करते हैं और आज के टाइम में और भी जनसंख्या बढ़ी हुई है, तो इसके हिसाब से कम भी बेड़े में 15,000 बस सरकार ने देनी चाहिए और पक्की भर्ती की करनी चाहिए। इससे बच्चों को रोज़गार मिलेगा और सरकार हित में और जनहित को दोनों को ही अच्छा फ़ायदा होगा। सर आपने पहले भी इसका विरोध किया था, क्या कोई कार्रवाई की गई? पहले ये 710 बस से प्राइवेट किलोमीटर स्कीम भी सरकार लाना चाहती है, इसके लिए किसी की भी डिमांड नहीं है, ना ही तो कोई छात्र संगठन ये प्राइवेट पॉलिसी मांग रहा है, ना ही कोई पंचायत रेजोल्यूशन डाल रही है कि हमारे प्राइवेट बसें लगाई जाएँ। सभी जनता किसी तरफ से देख लो सभी सरकारी बसें मांग रहे हैं और सभी को इसके ऊपर भरोसा है कि हरियाणा रोडवेज जहाँ भी जाती है सही टाइम पर पहुँच जाती है और सुरक्षित होती है, क्योंकि हरियाणा रोडवेज जो आज हरियाणा सरकार है ये कई बार अवार्ड भी ले चुकी है और सरकार कहती है कि कर्मचारी काम नहीं करते, तो सरकार ने देखना चाहिए काम नहीं करते फिर इसको अवार्ड किस लिए मिलता है। इसको इसलिए मिलता है कि अच्छी सुविधा देती है और जनता को सही समय पर उसकी मंजिल पर पहुंचाने का हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी ये काम करता है। प्राइवेट बसें लाने का क्या मंशा है सरकार की? प्राइवेट का जी हमने पहले भी सरकार को बता चुके हैं, इसमें बहुत ही बड़ा घोटाला है, ये प्रदेशों में आसपास वाले इनमें चल रही हैं, वहाँ 20 रुपये पर किलोमीटर गाड़ी चल रही है और यहाँ पर कम से कम भी 40 और 50 के बीच में इन्होंने रेट तय किए हैं, जिससे यूनियन ने इसका विरोध किया था और मुख्यमंत्री के संज्ञान में आज मुख्यमंत्री ने इसकी विजिलेंस जांच करवाई है और तालमेल कमेटी कह रही है कि इसकी जांच CBI से होनी चाहिए। इसमें बहुत बड़ा घोटाला नज़र आ रहा है। तो अब आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या एक्शन है आपका आगे? हम तो सरकार से पहले भी अवगत करवा चुके हैं और अब भी अवगत करवा रहे हैं कि सरकार ने तालमेल कमेटी बुला के कोई न कोई बीच का समाधान निकालना चाहिए, ये प्राइवेट पॉलिसी रद्द करे और बेड़े में नई बसी लाई जाए। आज ये कितने घंटे का प्रदर्शन किया था आपने? ये 2 घंटे का प्रदर्शन।